जय महाकाल। मेरा नाम है धीरेंद्र और अभी मैं शमशान में बैठा हूँ और महाराज जी मेरे साथ हैं। तो आज जो टॉपिक है वशीकरण को लेके महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी जय महाकाल। जय माता दी। महाराज जी सबसे पहले आपका नाम क्या है? नाम मेरा नाम योगी करताई नाथ है। नाथ मतलब नाथ पंथ से, अघोर पंथ में जो नाथ आता है उस हाँ पंथ से। हाँ जी हाँ जी। कितना समय हो गया महाराज आपको अघोर पंथ? मेरे को जो 11 साल की उम्र से गुरु शरण ले ली थी मैंने। अच्छा 11 साल की उम्र से? जी। अच्छा अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि जो वशीकरण होता है क्या रियल में होता है महाराज जी, या फिर लोगों ने ये सब ढोंग विद्या बना रखा है? ये चीजें बेकार की बात है। वशीकरण होता है अपने शब्दों का। आपकी वाणी अगर सही है तो ये उड़ता हुआ पीपल के पेड़ में तोता बैठा है वो भी चला आएगा आपके कने। अच्छा अपनी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। नहीं बहुत सारे अपने में ऐसा कर्म होना चाहिए, अपने में कुछ ऐसी खासियत होनी चाहिए, वशीकरण इसी का नाम है। बाकी तो सब बेकार की बातें हैं, मैं तो नहीं मानता। वशीकरण क्या होता है? किसी से प्रेम में बोल लो आज बेटी के समान। अच्छा जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लौंग ले लो, कागज पर नाम लिख लो, ये कर दो वो कर दो, उससे वशीकरण हो जाता है। कोई बहुत दूर चला गया वो पास आ जाता है। नहीं वशीकरण एक अलग चीज है, ये सब टोटके बाजी है। अच्छा ये टोटका करते हैं ये कि लौंग के ये करवा दो ना उसमें ये करके दे दो, इससे आ जाता है वापस जो इंसान गया हुआ होता है। अच्छा जैसे मतलब अगर मान के चलो किसी ने लौंग वगैरह का जो आप बता रहे हैं ये क्रिया अगर जैसे कर ली या आपसे करवा ली तो कितने टाइम बाद आ जाएगा वापस? इसकी किसी नहीं, 48 घंटे के अंदर उसको हाजिर होना है वहाँ। अच्छा 48 घंटे में आ जाएगा, चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी दूर विदेश में हो। अच्छा जहाँ हो 48 घंटे में आना उसको। अच्छा मतलब इसके लिए मतलब जैसे ये जो क्रिया आप बता रहे हैं तो ये रात में की जाती है दिन में की जाती है? दिन को करी जाती है ब्रह्म मुहूर्त में ताकि कोई देखे नहीं। अच्छा मतलब दिन में ब्रह्म मुहूर्त अगर माना जाए तो जैसे 4 बजे के बाद सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त यही होता है ना? यही होता है, 2 घंटों के अंदर अपने को करना है। अच्छा या तो फिर नाइट में करो 12 बजे के बाद, 12:35 के बाद। अच्छा 12:35 के बाद। अच्छा जैसे कि मतलब ये जो क्रिया है घर पे कर सकते हैं या शमशान में ही होगी? देखो घर अगर अपना है गृहस्थी है जिस घर में अपन करते हैं उस घर को उनको यूज नहीं करवाना है, वो तो सिर्फ अपनी बैठक है। घर के रिश्तेदार बाल बच्चे तो आते जाते रहेंगे घर में, आप घर में बैठ के करोगे तो उसमें खलल मचेगी, विघन आएगा उसमें। तो ये विघन नहीं आना चाहिए। वो चीज़ को जब तक तैयार नहीं कर ले उसे 11-12 दिन लगते हैं सिर्फ तैयार करने में। अच्छा। समय देना पड़ता है उसको। अगर आपने 11-12 दिन में उसको देख करके वशीकरण के जोड़े पर तुमने नाम मगर उसका फूक के जिसको भी वश में करना उसको खिला दो किसी भी चीज में तो हो जाएगा, हो जाएगा। 48 घंटे में बताया ना जवाब मिल जाता सामने। 24 घंटे तो मन मार लेता है, एक बार 24 घंटे बीतते हैं तो उसी टाइम बिल्कुल खेल हो जाते हैं। 24 घंटे काटना भी बड़ा भारी पड़ता है उसको। मतलब आ जाएगा 24 घंटे में बिल्कुल व्याकुल होता है कि कहीं भी चलना है मेरे को, चाहे अर्जेंट जाना पड़े। ठीक है महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि महाराज जी ने बताया जो कि वशीकरण है किस तरह से होता है, या तो शमशान में की जाए, ज़्यादातर शमशान में ही किया जाता है, घर में डिस्टर्ब होता है इसलिए घर में नहीं करना चाहिए। और ये जो क्रिया है इस तरह की क्रिया घर में भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर जो लोग हैं करवाते हैं या करते हैं तो मतलब घर में ना करें बाहर ही करें। तो वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे किसी अघोरी के साथ।